नाम नीरव दीपक मोदी, पिता का नाम दीपक मोदी, लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच, जन्म स्थान एंटवर्प बेल्जियम, आरोप करीब 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी, कानून की नजरों में भगोड़ा। हिंदुस्तान के इस हाई प्रोफाइल ठग की कहानी शुरू होती है बनासकांठा जिला पालनपुर गुजरात से। बेंटले कार से चलने वाला 20,000 करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने वाला करीब 149 अरब की संपत्ति का मालिक नीरव मोदी जनवरी 2018 में अचानक देश छोड़कर फरार हो गया। ये खबर चौंकाने वाली थी। सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और अरबों का हीरा कारोबारी देश छोड़कर भाग गया। हीरे का कारोबार नीरव मोदी को विरासत में मिला था। कई पीढ़ियों ने जिस नाम को हीरे की चमक से चमकाया, उस नाम को नीरव मोदी की ठगी ने मिट्टी में मिला दिया। नीरव मोदी फ्रॉड की दुनिया का वो बेताज बादशाह है जिसने बैंक से लेकर सरकार को ऐसा ठगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। पंजाब नेशनल बैंक के लिए नीरव मोदी का नाम किसी बुरे सपने से कम नहीं। पीएनबी को नीरव मोदी ने जिस तरह से ठगा, वैसी ठगी हिंदुस्तान में आज से पहले न किसी ने सुनी न देखी। नीरव मोदी ने मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ का चूना लगाया और घोटाला करके दोनों मामा भांजे देश छोड़कर भाग गए। नीरव मोदी ने किस तरह सिस्टम की खामियों का फायदा उठाते हुए बैंक को अरबों का चूना लगाया, ये सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नीरव मोदी ने सिस्टम खामियों का ऐसा फायदा उठाया कि उसकी खबर ना तो बैंक को ही, ना तो बैंक के किसी ऑडिट में उसका शातिराना खेल सामने आ सका। दरअसल उसने ऐसे तमाम लोगों को खरीद लिया था जो उसकी करतूत में उसके काम आ सकते थे। इन्हीं लोगों की मदद से उसने बड़े ही शातिराना ढंग से सिस्टम के लूप होल्स को रुपए छापने की मशीन में बदल दिया। नीरव मोदी ने बैंक को जिस तरह से ठगा, वैसा पहले कभी सुना नहीं गया था। चलिए आपको बताते हैं नीरव मोदी की 400 बीसी की वो कहानी जिसने उसे बना दिया सबसे बड़ा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। सीबीआई और ईडी के मुताबिक 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी है जिसने अपनी पत्नी अमी नीरव भाई निश्वल और अपने बिजनेस पार्टनर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया। हुआ ये कि नीरव मोदी, उसकी पत्नी, उसके भाई निश्वल और साथी मेहुल को अपनी 3 कंपनियों के लिए कुछ सामान मंगाना था। ये सामान हांगकांग में खरीदा जाना था। सवाल था कि इस सामान के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसके लिए इन्होंने 16 जनवरी 2018 को मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क किया। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि वो इन सामानों को मंगाने के लिए एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दें। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सीधा मतलब यह है कि सामान के लिए बैंक नीरव मोदी को पैसे देने के लिए तैयार है। पीएनबी ऐसा करने के लिए भी तैयार हो गया। 2018 में जब बैंक ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले में नीरव मोदी से 280 करोड़ रुपए नगद जमा करने को कहा तो नीरव मोदी की ओर से कहा गया कि बैंक उन्हें बिना नगद जमा कराए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता रहा है। इस पर एक अधिकारी को शक हुआ और बैंक ने इस मसले पर अपनी ओर से पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। जांच में पता चला कि नीरव मोदी, उनकी कंपनी या फिर उनके किसी पार्टनर का बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि नीरव मोदी इस बैंक के 2 अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाता रहा है। ये अधिकारी बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम में खेल करके नीरव मोदी को फायदा पहुंचाते रहे। बैंक के कुछ अधिकारियों ने नीरव मोदी को विदेश में क्रेडिट हासिल करने के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो जारी कर दिए, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक के कोर सिस्टम में भी दर्ज नहीं हुए। मतलब नीरव मोदी और उनके साथियों को बैंक से मोटी रकम तो मिल गई, लेकिन नीरव मोदी खुद पंजाब नेशनल बैंक को पैसे देने की जिम्मेदारी से बच गया। नीरव का पूरा खेल 2011 से शुरू हुआ था और बैंक की ओर से इसे जनवरी 2018 में पकड़ा गया। शुरू में तो सीबीआई को नीरव और उसके ठग्स गैंग की तलाश केवल 280 करोड़ रुपए के मामले में थी, लेकिन जांच बढ़ी तो पता चला कि नीरव मोदी और उनके साथियों ने बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है।
कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से ना तो इस घोटाले की खबर बैंक को हुई ना आरबीआई को ही इसकी भनक लगी और नीरव मोदी ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दास्तां लिख डाली।